धरती के खत्म होने की भविष्यवाणी कई बार हो चुकी है जो अभी तक सही साबित नहीं हुई, लेकिन नासा ने एक बार फिर दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी की है। वैज्ञानिकों ने जिस अंतरिक्ष तूफान की भविष्यवाणी कुछ साल बाद आने के लिए की थी, वो अब समय से पहले आने वाला है। इस तूफान के नतीजे भयानक होंगे और इसका असर पृथ्वी पर भी पड़ेगा। पृथ्वी के खत्म होने की सटीक जानकारी ना तो अभी तक कोई दे पाया है और ना ही दे पाएगा। मनुष्यों द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियों पर लोग यकीन नहीं करते, लेकिन जब ऐसी कोई भविष्यवाणी नासा करता है तो अक्सर लोग उसे मान लेते हैं, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक कई सालों तक अंतरिक्ष का अध्ययन करने के बाद ही कोई चेतावनी जारी करते हैं। ताज़ा चेतावनी में नासा ने बताया है कि जो अंतरिक्ष तूफान कुछ साल के बाद आने वाला था, वो अब समय से पहले आने वाला है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि वैसे तो अंतरिक्ष में अक्सर तूफान आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो तूफान आने वाला है वो भयानक नतीजे लेकर आएगा। इस तूफान का असर धरती पर भी पड़ेगा, इससे धरती पर भारी तबाही आ सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में हलचल होती है, तब इससे अंतरिक्ष में काफी ताकतवर रेडिएशन निकलती है। इसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। यह इस समय तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान की वजह से धरती के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होगा, साथ ही अंतरिक्ष से कई सैटेलाइट भी क्रैश होकर धरती पर आ गिरेंगे। दरअसल नासा ने इस तूफान के आने की भविष्यवाणी पहले साल 2025 के लिए की थी, लेकिन ताजा अंतरिक्ष के समीकरण के अनुसार अब ये तूफान इस साल के अंत में आ जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि सूरज पर आने वाला ये तूफान धरती के लिए मुसीबत ला सकता है। इन तूफानों की भयावहता सूरज पर दिखने वाले धब्बों से पता चलती है। तूफान से पहले ऐसे बड़े स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, इस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि धरती पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने अभी तक मिले सबूतों के अनुसार जब भी सोलर स्टॉर्म आता है, सूरज में भयंकर विस्फोट होता है। इस बार ये तूफान समय से पहले ही आने वाला है, साथ ही ये किस समय तक जारी रहेगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन पहले आए तूफानों के आधार पर इसका समय 1.5 साल बताया जा रहा है। धरती पर इस तूफान की वजह से कई नेचुरल डिजास्टर भी आ सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, जब तूफान हिट करेगा तब असली नुकसान का पता चलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।